नहीं ज्यादा मैं नहीं घूमने दूंगी, निकलो बाहर, निकलो आप भी जाओ, निकलो आने से पहले इतना फालतू बोल रही है, मैं नहीं आने दूंगी, निकलो यहाँ से। अरे मैं समझा दूंगा, आप बैठो। अरे अपने अच्छे कर्मों का फल भुगत रहे हैं जो इनके साथ में। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छे कर्म से रोड भी आ गई हो, अच्छे कर्मों से रोड भी आ गई हो, बहुत बढ़िया है। जो आदमी अपने घर में ही रहने के लिए मोहलत मांगे तो इसके लिए क्या बोला, इसने खुद अपनी मेहनत से बनाया ये घर, जबकि इनके हाथ से ये वाला घर जा चुका है, हमेशा आपके पास ही रहेगा। एक तो डर इनको ये बन गया ना, ये तो हो गया, अब उससे क्या, चलो ये थोड़ा तो आदमी नीचे होके देखेगा। कौन है? देखते हैं यार कौन। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अच्छा आ जाओ भाई साहब। नमस्कार। ये कैसे आए हैं? अरे मेरे साथ यहाँ। नहीं नहीं ये नहीं आएंगे अंदर। बात तो सुनो बहन जी। नहीं बिल्कुल बैठ के बात करते हैं। आपको बात करने के लिए बोला था ना मैंने। चिंता मत। नहीं मैं बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी इनको। कोई दिक्कत मैं आया हूँ। भाई साहब अगर आपने बात करनी है, आपने करनी है तो करो बात। अरे मेरे पे तो भरोसा रखो कम से कम। किस बात का भरोसा? तो सही आपने मेरे को अकेले आने के लिए बोला था ना, मैं नहीं घुसने दूंगी। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, बैठो सही। नहीं अभी आई नहीं, अभी आई नहीं ज्यादा, मैं नहीं घुसने दूंगी। निकलो बाहर, निकलो आप भी जाओ, निकलो आने से पहले। इतना फालतू बोल रही है, मैं नहीं आने दूंगी, निकलो यहाँ से। मैं समझा दूंगा, आप बैठो तो। इनको बोलो चुप करेंगी। हाँ चुप। बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ये नहीं बोल रही है ना। हाँ। आप नहीं, आपका घर है, मेरा घर है, मुझे नहीं सुनना। नहीं अभी मेरा घर है ये। हाँ ये आपका ही घर है। हाँ बिल्कुल शांत, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हमें ये घर नहीं चाहिए। बैठो आप उधर बैठो। बैठो जी बैठो, बैठ बैठो बैठ बैठो ना, बैठो नीचे। अरे बहन जी बस वक्त की बात है, इन पे ये समझो बुरा वक्त आया हुआ है। मुझे नहीं पता अपनी वजह से आया। ठीक है इन्होंने लाख बुरा। आप क्या बात करने, आपने बोला था कि मैं अकेले बात करने आऊंगा, आप इनको क्यों लेके आए हो मेरे को ये बता दो भाई। ये मतलब इस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी। होने दो, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ठीक है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, अगर वो बुरे हैं तो आप भी बुरे बन के दिखाओगे क्या? बन के दिखाऊंगी, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा मत करो। नहीं नहीं इस समय तो मैं जैसे को तैसा करूंगी। रखो कोई ऐसी बात नहीं है, कोर्ट ने फैसला आपके हक में वैसे ही दे रखा है, आपको किसी चीज की चिंता तो है नहीं। ये कोई मुझे वैसे भी चिंता नहीं है। अपने कर्मों का नहीं, अपने अच्छे कर्मों का फल भुगत रहे हैं जो आज इनके साथ में। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छे कर्म से रोड भी आ गई हो, अच्छे कर्मों से रोड भी आ गई हो, बहुत बढ़िया है। अपना गुजारा करने ये अपनी जमाने अपने घर पे रह के चलाया करो, मेरे घर में मत चलाओ ना, मैं सुनूंगी। अपना घर भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं रुकने दूंगी इनको यहाँ पे। अरे ठीक है मेरी बात सुनो, इनके कहने से इनका अपना घर अभी तो आया नहीं, इनका घर हो गया। मेरी बात तो सुन लो, चुप करा रहे हो। फैसला तो इनके हक में है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी माँ को चुप करा ले, सवार बिल्कुल चुप करा ले, आवाज नहीं निकलनी चाहिए यहाँ पे। हमने तो टाइम काटना है, नहीं समझे? सुनो बात ये है, तू तो तब बात करेगा जब तेरी माँ की जुबान बंद होगी। ठीक है मम्मी जी बात सुनो, बात कर रहा हूँ। देखो अगर लाख में रहूं या मेरे जैसे 10 लोग रहे, उनका घर ही होने वाला नहीं है, चाहे ये रहे, क्योंकि कोर्ट का फैसला तो आपके पास ही है। भाई साहब मुझे नहीं पता ये कब में इसको अपना घर बना देंगे, इनका ही है, मेरे को रहना नहीं है यहाँ, फिलहाल ये मेरा है। अरे आपका ही है और आपका ही रहेगा, आपकी बेटी के पास ही रहेगा ये घर, आप समझो इसमें बुराई क्या है। जो दिन मैं देखना चाहती थी वो दिन आए, तो आप रहने के लिए इनको यहाँ लेके आ गए। मैं चाहती थी रोड पे आ जाए और वो आ गए, आप क्यों लेके यहाँ पे? क्यों आएंगे घर है अपना? मेरी बात मैं नहीं रहने दूंगी किसी भी कीमत पे, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये आवाज। अरे नहीं रहने दूंगी मैं, आज मैं क्यों कर लूं, क्यों लेके आए भाई साहब, समझा के नहीं लाएंगे इनको, मैं नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी। ये समझ नहीं रही है बात, इनको तो किसी कीमत पे नहीं रहने दूंगी, साफ बात है। अरे रहके दिखाना था मैं तो। देखो भाई साहब इनको लेके जाओ, मुझे नहीं रखना, अरे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। बहन जी समझो बात को, ये कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है? ये समर तेरी मम्मी नहीं रखूंगी मैं, नहीं रहेंगी इनकी जबान, मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे भागी है इनकी जबान। अरे भाई तुम, मैं नहीं आई तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम आई हो मेरे घर लौट के। तुम्हारा घर नहीं है ये, मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है मेरा है। इनको कैसे समझाऊं मैं और मेरी बेटी रहते हैं, शांत रहो ना। दरवाजा भी शायद मैंने ही खोला, अभी तुम्हारा होता तो तुम रहती यहाँ पे, तुम्हारा होता तुम दरवाजा खोलती, मैं नहीं। अरे है तो तुम्हारी बहू ही ना वो, कोई बहू नहीं है, मेरी बेटी है। नहीं नहीं तो है। इन गलत फहमी मत रहो, नहीं ना मेरा दामाद ना मेरी ये कुछ। दामाद नहीं होता तो हड़प थोड़ी लेते। अरे भाई दामाद है, हड़पा तो मैंने अभी भी नहीं है, किसने बोला हड़प लिया? मेरे को नहीं रहना इस मकान में, ठीक है? मेरा अपने अच्छा भला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जाऊंगी जब जाना होगा, तुम्हारे कहने से जाऊंगी क्या? अरे कोई नहीं शांत हो जाओ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ 4-5-10 दिन की इनको जरूरत है, ये रह लेंगे। अपने घर रख लो ना भाई साहब, अपने घर रख लो, मेरे घर क्यों लेके आए हो? मेरे घर में फिर वो गुण का पता तुम्हें कलेश पड़ता है। मेरे घर में राधिका की वजह से कलेश पड़ता है, मेरी लड़की मना करती है। एक मिनट भी
ध्रुव मेरा जीना हराम कर देगा, मैं तो हर तरफ से फंस गया हूँ। मेरे घर में राधिका कलेश कर देगी, फिलहाल तो मैं ही करूँ। दस दिन की बात है, राधिका कलेश कर देगी। देखो जिसका तुम सब कुछ लेके बैठे, बर्बाद करके बैठे हो, वो नहीं कुछ बोल रहा उसका फायदा उठा रहे हो। इनकी राधिका कलेश कर देगी। तू ये नाच की लड़ाई समझ, जो इनके लड़की का वो फजीते करके और गुनगुन के आगे पीछे लट्टू होकर बर्बाद होके बैठा है, जब ये कब्जा कर करके बैठे हैं सारे के सारे घर में अपनी हरकतों से करा करवाया कब्जा। ये दोनों के दोनों लड़कियां बैठी है ना, तो अब मामला शांत होने दो ना, अब चिल्ला के क्या होगा। नहीं चिल्लाने देना, चिल्लाने दे, मैं तो नहीं रहने दूंगी। चिल्लाओ चाहे मरो चाहे कुछ भी करो, शांति से काट लो। तो मोहलत मांग रहे हैं क्या हम 8-10 दिन रहने के लिए? क्यों मांग रहे हैं? कोई और नहीं मिला क्या रिश्तेदार? नहीं तुम्हारे रिश्तेदार सारे मर गए क्या? यहाँ क्यों आ रहे हो बार बार? क्यों अपना घर? अभी तो मेरा घर है, ये मैं रह रही हूँ, दिख रहा है ना? जबरदस्ती रह रहे हो? हाँ तो रह रही हूँ जबरदस्ती, सीधी उंगली से भी नहीं क्या टेढ़ी से निकालूंगी। सोच रहे थे सीधी उंगली से, अब टेढ़ी करने। आप टेढ़ी से निकालो, मैंने बोला टेढ़ी से निकालो, मैं नहीं रखने रहने दूंगी। शांत रहो आप, पहले ना मैं आपको बुलाने आई ना मैं आपको अंदर आने दे रही थी, ऐसे ही से करूंगी मैं। मेरे पास यही तरीका है, यही तरीका है मेरे पास। अपनी बात भूल जाती हो, कितनी बेइज्जती करती हो, याद है ना मैं रोती आई थी? अच्छा हाँ, बैठ के रो रही थी मैं और तुम बातें बना रही। अरे जाओ ना, मुझे नहीं सुननी एक भी बात। ऐसा भला भगवान सबके साथ करे जैसा आप करती हो, ऐसा भला तो सबके साथ हो। शांति होने का नाम ले रहे क्या बात है? इसको नहीं रहने दूंगी मैं किसी कीमत पे, नहीं दूंगी मैं मोहलत। मम्मी को यहाँ पे रहने दो, तेरी मम्मी को बिल्कुल देख लेंगे हम, देख लेंगे दूसरा मकान, 10 दिन की बात है। समझ, तेरी मम्मी किसी कीमत पे नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है, अब लॉजिकली बात करोगे तो लॉजिकली तो बहुत सारी चीजें आती है। लॉजिकली तो कोर्ट ने मुझे भी यहाँ से निकलने नहीं बोला था, खुद निकला था तू? मैं अपने मर्जी, अब तो मैं नहीं घुसने दूंगी, अब तो मैं नहीं घुसने दूंगी। उसके अलावा चुप करा ले, नहीं तो घर निकल ले यहाँ से। आप चुप हो जाओ, 10 दिन की बात है, 10 दिन आप मैनेज कर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अपना घर वर ले लेंगे। देखो पहले 10 दिन रह के देखो ना, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक तो नहीं होगा, ठीक तो मुझे करना ही नहीं है। बहन जी आप पॉजिटिव सोचो ना, क्यों नहीं नहीं सोचना, बच्चों की पॉजिटिव सोच सोच के नहीं नहीं मेरे इसके साथ अपनी लड़की का अगर बसाना, मैंने क्यों क्यों बसाना है, मेरे को है क्या इसके अंदर? हैं अरे क्या बसा लेना गुनगुन को तू? नहीं कुछ हड़पता, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। हैं किसी तरीके तुम्हारे तेवर देखने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? अपने तेवर अपने बात धरो। बोला ठीक है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, कोई बात अपनी माँ से बोलवा, सॉरी बोलेगी? हमें 10 दिन के लिए रहने दो यहाँ, तेरी सॉरी नहीं सुननी मुझे। हाँ तो मैं ना बोलूं, मेरे को ना इतनी जवान सुननी है। चलो मैं बुलवा दूंगा बाद में, अभी आप जाओ। क्यों जाऊँ, मेरा घर है, कोई नहीं। अरे आप मैं तो नहीं जा रही, घर से थोड़ी लेके भाग जाएंगे। अरे मेरे घर से मेरे को निकाल रहे, क्यों जाऊँ? निकाल रहे दूसरे कमरे, क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ, तुम जाओ, आपस में लड़ाई करोगे दोनों, उससे अच्छा है ना कि अलग अलग बैठ जाओ थोड़ी देर। क्यों बैठ जाऊँ, जाओ ना तुम बैठ जाओ जाके। लड़ाई झगड़ा तो खत्म करो बहन जी, क्या फायदा? मेरी बात सुनो, बच्चों का घर बसाना है, बहुत कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, समझा करो, ठीक है? पूरी जिंदगी बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, समझो भाई साहब। ये लड़का अगर... भी चलो आप, अब मेरी बात सुनो, इसके पास था ये मकान, तो चलो आपकी बेटी और आप रह रहे हो ना, इसके पास था तभी ना, अगर ये किराए पे रह रहा होता तो क्या ले लेते इससे आप? भाई साहब मुझे मजबूरी है यहाँ रहना पड़ा, आपको पता है ना? हाँ, मैं समझ मेरा अच्छा भला घर है, ठीक है, इसको सुधारने के लिए मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे कोई आफत नहीं पड़ी यहाँ रहने की। माँ बाप को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, मैं समझ रहा हूँ। आप झेल रहे हो ना, मैं भी झेल रही हूँ, इनको नहीं समझ आती ना, कोई बात नहीं। आप देखो ये देखो, आज के टाइम में इससे बड़ी ठोकर क्या मिलेगी, इनके हाथ से ये वाला घर जा चुका है, हमेशा आपके पास ही रहेगा। एक तो डर इनको ये बन गया ना, ये तो हो गया, अब उससे क्या, चलो ये थोड़ा तो आदमी नीचे होके देखेगा, समझे? और मेरी गाल सुनो, अगर कुछ मिला है आपको, मतलब ये देखो इसकी प्रॉपर्टी थी, तो आपकी बेटी को उसका सुख तो है ना, आगे फ्यूचर में भी रहेगा, है कि नहीं है? ऐसा ना समझो, इसने कुछ मेहनत करके बनाया है, मतलब ये मेहनत कर सकता है आगे। मैं मानती हूँ इसने मेहनत करी, इसने सब कुछ करा, आपकी बच्ची को ये खुश रखेगा, ऐसी बात नहीं। कुछ गलतियां हो गई, इससे मैं भी मानता हूँ कि गलती नहीं करी, बच्चों से गलती तो होती होती है भाई साहब। देखो अगर आप कहते हो, समझो एक क्या बोल सकता हूँ मैं, बुद्धि खराब हो गई जैसे, या टाइम खराब हो गया। अब देखो अब इनका टाइम ही खराब है, अपने घर में ही, ये अपने घर में नहीं रह सकता आदमी, तो उससे बुरा क्या होगा, उससे बुरा इनके साथ क्या होगा, आप खुद सोचो क्या होगा इनके साथ। जो आदमी अपने घर में ही रहने के लिए मोहलत मांगे, तो इसके लिए क्या बुरा होगा? इसने खुद अपनी मेहनत से बनाया ये घर, जबकि किसके लिए बनाया था कि उसमें एक वाइफ रहेगी, इनकी मम्मी रहेगी। इसने समझी नहीं ना ये बातें, कभी समझी?
मैं तो यही चाहता हूँ बहन जी, मतलब किसी भी तरीके से करके इनका बच्चों का घर बस जाए, चाहे वो मेरी गुनगुन होए ध्रुव होए, घर बसना चाहिए बच्चों का। मतलब क्या तो वो तो है ही, माँ बाप क्या चाहते हैं, घर बसा रहे, इससे हम खुश रहे ना, बच्चे का घर उजड़ेगा, चाहे ये है चाहे ये, दोनों मिलके आज मैं इन दोनों के लिए दुश्मन हूँ, मैंने कभी इनसे वैसा व्यवहार नहीं किया कभी भाई साहब। देखो अगर आप कहते हो, मैं बार बार बोलूं, अगर आप कहते हो तुम्हारे बच्चे के लिए तो हम खड़े रहे, और आज इसीलिए राधिका अलग हुई। ये बहन जी समझदार से हमें काम लेना पड़ेगा ना भाई साहब। देखो अगर आप कहते हो तो मैं सोचती हूँ, सोच के बताती हूँ आपका, लेकिन पहले मेरे को राधिका से बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहन जी, राधिका भी कोई समझदार है ऐसी, तो ठीक है आप दो मिनट रुको, मैं राधिका से बात करती हूँ। ठीक है मैं राधिका से बात करके बताती हूँ। आपका इच्छा नहीं होगा तो हम कहीं और देख लेंगे, जो राधिका कहेगी वही होगा।